भारत के साथ खराब रिश्तों के लिए अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को लतार लगाई है। अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की कार्यवाहक विदेश उप मंत्री एलिस जी वेल्स ने कहा, ट्रंप सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला एग्रीमेंट के तहत सीधी बातचीत की समर्थक है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देने की कोशिशें इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। अमेरिकी संसद में विदेश मामलों की एक कमेटी के सामने वेल्स ने कहा कि दोनों देशों को आपसी तनाव कम करने के लिए बातचीत करनी चाहिए। 1972 के शिमला समझौते में भी यही कहा गया है। वेल्स ने कहा कि 2006-2007 में समझौते की कोशिशें हुई, इनमें दोनों देशों ने कश्मीर समेत कई अन्य मुद्दों पर काफी प्रगति की थी। वेल्स ने कहा, एक बार फिर उपयोगी द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के लिए दोनों देशों के बीच विश्वास जरूरी है, लेकिन भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान का आतंकियों का समर्थन करना इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। भारत की तरफ से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति पर वेल्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय सुरक्षा बलों ने पिछले हफ्ते अलग अलग मौकों पर आतंकियों को मार गिराया। कुछ स्थानीय और विदेशी आतंकी आम लोगों और व्यापारियों को डराकर उन्हें सामान्य स्थिति की तरफ लौटने से रोक रहे हैं। आतंकियों की हिंसा भड़काने की कोशिशों की निंदा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।